चंद्रपुर के वन अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का वन विद्यापीठ करने के लिए तज्ञ समिति गठित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। तो चलिए देखते हैं विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर के वन अकादमी के संदर्भ में क्या कहा इस खबर में। चंद्रपुर के वन अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का वन विद्यापीठ करने की मांग विधिमंडल लोक लेखा समिति प्रमुख तथा पूर्व वन मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने की है। 24 सितंबर 2021 को विधायक सुधीर मुनगंटीवार की विनती के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर के वन अकादमी के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव आशीष सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक साई प्रकाश, वन अकादमी के प्रभारी संचालक नरेश झुरमुरे, उप सचिव गजेंद्र नरवने, चंद्रपुर के जिलाधिकारी अजय गुलाने की प्रमुख रूप से उपस्थिति थी। इस मौके पर वन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष वन अकादमी के संदर्भ में विस्तार पूर्वक सादरीकरण किया गया। वही समीक्षा बैठक के दौरान वन अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का विद्यापीठ करने के लिए अतिशीघ्र तज्ञ समिति गठित किया जाए, ऐसा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उपस्थित अधिकारी को दिया। वहीं इस वन अकादमी के संदर्भ में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विस्तार पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रहते समय मैंने इस देश में वन अकेडमी निर्माण करने का निर्णय किया, संकल्प किया। एक बहुत ही सुंदर, जिसको देश के एक सरकारी संस्था ने पर्यावरण में सबसे अच्छे इमारत का नामांकन दिया है, इसको वन से संबंधित विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने सोचा था। अभी हमारी सरकार नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्धव जी, इनसे मिलकर हमने उनसे आग्रह किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी सकारात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक फॉरेस्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी बने। अभी हमारे देश में संस्कृत विद्यापीठ है, हमारे देश में स्किल यूनिवर्सिटी है, हमारे देश में पदुम की यूनिवर्सिटी है, हमारे देश में ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, हमारे देश में मत्स्य यूनिवर्सिटी है, मगर हमारे देश में फॉरेस्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है। जंगल से जीवन के मंगल तक, वन्य प्राणियों के बारे में रिसर्च हो। और हम चाहते हैं, हमने कई एक सिलेबस बना के रखा था तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस सिलेबस के आधार पर अगर यूनिवर्सिटी बनेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें एक्सपर्ट मिलेंगे और देश के पर्यावरण, वन, इसका ह्रास रोकने के लिए, अधपतन रोकने के लिए हम काम कर सकेंगे। और हमारा देश जो पहले भी दुनिया के लिए विश्वगुरु था पर्यावरण में, यह अकेला देश है जहाँ पे नदियों को माता माना जाता है। तो हम इस वन से मन के समाधान तक पहुँचने के लिए ये विश्व विद्यापीठ बनाने की चेष्टा करें। ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और विश्व में जो 52 इस पर्यावरण की यूनिवर्सिटीज़ है उसका इसमें मार्गदर्शन लेकर हम विश्व की एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने की चेष्टा करें। हमारे जिले में 200 से ज़्यादा टाइगर है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर चंद्रपुर में है, तो यहाँ पे टाइगर पे भी रिसर्च हो, हमारे वन्य प्राणियों पे रिसर्च हो, किसानों के लिए वन से वो कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते इस पे रिसर्च हो, ऐसा एक विश्वविद्यापीठ बनाने के लिए हमने उनसे बात की और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। बड़े सकारात्मक रूप से इस विषय को उन्होंने साथ देने का हमें वादा किया है।